खबरों में बीकानेर, खबरों में बीकानेर में आज के इस अंक में हम आपको बीकानेर में पब्लिक पार्क स्थित जियो पार्क की ओर लिए चलते हैं, जहां नेशन फॉर ऑर्स के टीम ने साफ सफाई करके कुछ देर पहले तक कचरा घर बने स्थल को चमचमा दिया। और यह स्थल जिया पार्क परिसर ही था जहां जानवरों के बुत खड़े थे और चारों ओर झाड़ झखाड़ और कुछ पॉलीथीन की थैलियां बिखरी हुई थी। नेशन फॉर ऑर्स की टीम प्रत्येक रविवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर साफ सफाई अभियान चलाती रही है। टीम के सदस्य सुबह सुबह सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या और कोई भी बाधा, ये सदस्य वहाँ तय स्थान पर पहुंचकर साफ सफाई करते हैं। बहुत सी बार तो साफ सफाई अभियान के दौरान ही सदस्यों में किसी का जन्मदिन तक भी मनाया जा चुका है। टीम के इस कार्य की शहरवासी सराहना करते हैं। इससे गली मोहल्लों में और दूसरे स्थानों पर भी युवा वर्ग को सफाई की प्रेरणा मिलती है। यह दृश्य आकर्षक भी है और चिंता पैदा करने वाला भी। चिंता इस बात की कि शहर के इस भ्रमण योग्य स्थल पर भी इतना कचरा इकट्ठा हो जाता है तो फिर निगम के सफाई कर्मचारी और पब्लिक पार्क में तैनात सफाई कर्मचारी क्या करते हैं। चिंता इस बात की भी कि इन स्थलों पर भ्रमण के लिए पहुंचने वाले हम जैसे सामान्य नागरिक वहां इतना कचरा फैलाते ही क्यों हैं। इस चिंता को हम सभी मिलकर ही दूर कर सकते हैं। पहली बात तो यह कि हम वहां कचरा फैलाएं ही नहीं, और यदि किसी ने फैला भी दिया है तो उसे तुरंत हम में से ही कोई वहां सफाई करता रहे, जैसा कि टीम नेशन ऑवर्स के सदस्य कर रहे हैं। खबरों में बीकानेर की ओर से टीम के सदस्यों को साधुवाद। देखते रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें। खबरों में बीकानेर।